हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को प्रेसिपिटेट लेबर के बारे में बताऊंगी। ये एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन का ही थर्ड रूप है। इसमें जो प्रसव की प्रक्रिया होती है, जब प्रसव की प्रक्रिया इसकी सामान्य अवधि की तुलना में बहुत कम समय में हो जाती है, तो इस प्रकार के लेबर को प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं। जो सामान्य की प्रसव की जो सामान्य प्रसव की जो प्रक्रिया होती है, वो सामान्य अवधि की तुलना में बहुत कम समय में ही घटित हो जाती है, इस प्रकार की स्थिति को प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं। प्रेसिपिटेट लेबर का जो क्राइटेरिया होता है, जब प्रसव की फर्स्ट या सेकेंड स्टेज की कुल अवधि 2 आवर्स से भी कम होती है, या फिर पूर्ण जो लेबर की प्रोसेस होती है बेबी आउट होने तक का, वो इसका जो समय होता है 3 घंटे से भी कम होता है, या 3 घंटे में वो पूर्ण हो जाता है लेबर। थर्ड होता है जैसे कि जो न्यूली पैरा फीमेल वुमेन होती है, उसके सर्विक्स का जो डायलेटेशन होता है वो 5 सेंटीमीटर पर आवर से 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाता है। तथा जो मल्टी पैरा होती है उसमें 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा से भी अधिक इसका डायलेटेशन होता है। ये इसका क्राइटेरिया होता है। मतलब जो प्रेसिपिटेट लेबर होता है वो बहुत जल्दी यानी कम समय में हो जाता है, 3 घंटे में उसका पूरी तरह से लेबर बेबी आउट हो जाता है, और इसमें डायलेटेशन भी बहुत जल्दी जल्दी होता है। इसके कॉसेस देखते हम, कॉसेस में क्या होंगे कि जैसे सामान्य रूप से जो स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, इसमें असामान्य रूप से जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं इसके और भी कॉसेस हो सकते हैं, जैसे कि जनन जो पूर्व में जो डिलीवरी के समय जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है, वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण कि बार बार कॉन्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी आते हैं। और इसके अलावा जो पेल्विस का आकार होता है वो बड़ा होता है, रोमी पेल्विस जिसको कहते हैं, जिसके कारण भी ये प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है। इसके अलावा फोर्थ देखेंगे, बेबी का आकार बहुत छोटा होता है, और इसमें जो फिफ्थ, इसमें जो पेन्स आते हैं वो दर्दयुक्त संवेदनाओं से के अनुपस्थित होने के कारण होते हैं। जो पेन्स आते हैं इसमें इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा संवेदनायुक्त दर्द नहीं होते। इसके अलावा प्रेसिपिटेट लेबर के पाए जाने की संभावना जो होती है वो न्यूली पैरा की तुलना में मल्टी पैरा में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसका जो रिकवर होने की संभावना भी इसमें होती है। इसके अलावा कुछ हम इसके कॉम्प्लिकेशन भी देखेंगे। ये तो होगा इसके कॉसेस। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जो मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सर्विक्स वेजाइना तथा पेरिनियम का जो फट जाना, मतलब इसमें असामान्य यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, बहुत तेज आते हैं, जिसके कारण कि वेजाइना और पेरिनियम का फटना, इसमें लेसरेशन होना सामान्य बात होती है। और इसके अलावा इन्वर्शन ऑफ यूट्रस भी होता है। इसके अलावा हम देखते हैं यूट्राइन रप्चर के भी चांसेस होते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज की भी संभावना होती है इसमें, और इन्फेक्शन की भी संभावना होती है। ये मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस है। इसके अलावा अगर हम फीटस की बात करें तो फीटस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। प्रेसिपिटेट लीवर के दौरान क्या होता है कि बहुत जल्दी से डिलीवरी होती है, बहुत जल्दी से बेबी आता है, जिसके कारण कि क्या होता है, जो सिर की मोल्डिंग होती है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती, और इसके कारण उसके क्रेनियल हेमरेज होने की संभावना रहती है। क्रेनियल इंजरी स्ट्रेस होने के कारण उसके हेमरेज, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा अत्यधिक स्ट्रांग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने के कारण क्या होता है, जो फीटल एस्फिक्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज होने के कारण प्लेसेंटल जो रक्त परिसंचरण होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण की फीटल एस्फिक्सिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रसव
के जल्दी होने के कारण नवजात शिशु नीचे गिर सकता है और इससे इंजरी होने की संभावना रहती है। नवजात शिशु नीचे गिर सकता है और इससे इंजरी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा हम इसका मैनेजमेंट देखें, अगर मैनेजमेंट देखें तो इसमें जो प्रिसिपिटेड लेबर में रिकवरिंग की संभावना होती है, तो इसलिए अगर हमको पहले से पता होता है कि पूर्व में महिला को प्रिसिपिटेड लेबर हो चुका है, तो इस कंडीशन में महिला को हम पहले से हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको लगातार ऑब्जर्व करते रहेंगे। इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन ड्रिप इन्फ्यूज़न जो देते हैं उसको अवॉइड करेंगे और प्रेग्नेंट वुमेन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे। प्रसव की प्रक्रिया के समय में जब प्रोसेस होती है लेबर की प्रोसेस, तो उस समय जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन बहुत ज़्यादा है उसको कम करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट आईवी दे सकते हैं। इसके बाद आवश्यकता अनुसार या प्रसव की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए हम इनहेलेशन एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। इसके अलावा प्रसव के दौरान पेरिनियम में और जो इंजरी होती है उसको रोकने के लिए एपिसोटमी हमें करनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो फीटस होता है गर्भस्थ शिशु के सिर तथा वजाइना में इंजरी ना हो, इसके लिए हम अच्छी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए डिलीवरी के समय। इसके बाद जो प्रसव की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, आवश्यकता अनुसार लो रप्चर मेम्ब्रेन करना चाहिए मतलब, और जो डिलीवरी के पश्चात यदि नवजात शिशु को किसी प्रकार की इंजरी अगर होती है मदर को या बेबी को, तो फिर उसको अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखेंगे बंडल सरिंग। बंडल सरिंग क्या होता है? बंडल सरिंग को हम फिजियोलॉजिकल रिट्रिक्शन रिंग भी कहते हैं। बंडल सरिंग को हम फिजियोलॉजिकल रिट्रिक्शन रिंग भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो बंडल सरिंग होती है वो गर्भाशय मतलब यूट्रस के दोनों खंड मतलब अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के बीच में एक असामान्य जंक्शन पाया जाने वाला एक असामान्य जंक्शन होता है, जो कि अवरोधित प्रसव मतलब ऑब्स्ट्रेटिकल लेबर का लेट साइन होता है। मतलब जो बंडल्स रिंग होता है वो यूट्रस के अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के बीच में पाया जाने वाला जो जंक्शन है उसमें होता है। अपर और लोअर सेगमेंट के बीच में जो जंक्शन होता है, यूट्रस का अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के बीच में जो जंक्शन है उसके जंक्शन में के ऊपर होता है, और ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का ही लेट साइन है। ऑब्स्ट्रक्टिक लेबर के कारण ही ये के कारण ये होता है। अगर हम इसमें देखते जो असामान्य रूप से जब कोई लेबर होता है, ऑब्स्ट्रक्टिक लेबर की स्थिति यदि जब बनती है, तो क्या होता है, सर्विक्स पूर्ण रूप से विस्तारित मतलब अच्छी तरह से सर्विस डायलेटेशन हो जाने के बाद भी क्या होता है, अच्छे यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिक लेबर की कंडीशन में हम जब देखते हैं कि जब अच्छे यूट्राइन डायलेट अच्छे जो सर्विक्स अच्छी तरह से डायलेट हो चुका है उसके बाद भी अच्छे जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, जो यूट्रस का अपर सेगमेंट होता है वो थिक और शॉर्ट हो जाता है और जो लोअर सेगमेंट होता है वो थिन तथा स्ट्रेच्ड होता है। साथ ही इन दोनों के मध्य में एक बंडल सरिंग का निर्माण होता है, तो जिसे सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिक लेबर में जब अपर सेगमेंट ऑब्स्ट्रक्टिक लेबर में देखते कि जब डायलेटेशन बहुत अच्छा हो चुका है उसके बाद भी जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, तो जो यूट्रस का अपर सेगमेंट होता है वो
ठीक हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है, और जो निचला सिगमेंट होता है लोअर सिगमेंट वो थिन तथा स्ट्रेच्ड हो जाता है। साथ ही दोनों खंड के बीच में बंडल सरीम का निर्माण होता है और जिसे हम सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर महसूस कर सकते हैं। किंतु जब सामान्य लेबर होता है तो इसके दौरान भी फिजियोलॉजिकल रिंग का निर्माण होता है, किंतु इसको हम जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम इसको सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब अगर ये रिंग सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर महसूस हो जाती है या नाभिनाल के आसपास पालपिट हो जाती है तो हम इसे बंडल्स रिंग की उपस्थिति कहते हैं। यह बंडल्स रिंग की उपस्थिति को दर्शाता है। लगातार होने वाले रिट्रेक्शन के परिणाम स्वरूप यह रिंग सिम्फाइसिस प्यूबिस से नाभि की ओर, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस से नाभि की ओर ये बढ़ती जाती है। तो नॉर्मल लेबर में भी फिजियोलॉजिकल रिंग का निर्माण होता है, किंतु क्या होता है, हम इसको जो एब्डोमिनल पाल्पेशन करते हैं तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर हमें महसूस नहीं होती, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टेड या असामान्य जो लेबर होता है इसमें यह महसूस होती है। और जैसे जब रिट्रेक्शन बढ़ता है तो ये रिट्रेक्शन के परिणाम स्वरूप ये क्या होता है कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस से ये नाभि की ओर मतलब बढ़ती हुई दिखाई देती है, मतलब महसूस होती है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में इसमें देखेंगे कि प्रसव की प्रक्रिया की जो प्रोसेस होती है, लेबर की जो प्रोसेस होती है वो लंबी हो जाती है। इसमें महिला अत्यधिक थक जाती है बंडल्स रिंग्स के कारण, और डिहाइड्रेशन की कंडीशन उत्पन्न होती है, केटो एसिडोसिस की कंडीशन समस्या उत्पन्न हो जाती है, और अत्यधिक लगातार दर्द बना रहता है इसमें। इसके अलावा हम देखेंगे जो गर्भस्थ शिशु के जो ऑर्गन्स होते हैं वो आसानी से महसूस नहीं किए जा सकते। फीटल हार्ट साउंड सुनाई नहीं देता इसमें, और पाल्पेशन के दौरान जो ऊपरी अपर यूट्राइन सेगमेंट हार्ड तथा टेंडर महसूस होता है। और जो एब्डोमिनल पाल्पेशन करते तो सिम्फाइसिस प्यूबिस एवं नाभि के ऊपर एक आड़ी ट्रांसवर्स रिंग दिखाई देती है। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होता है इसमें, और जब हम एब्डोमिनल पाल्पेशन करते हैं तो सिम्फाइसिस प्यूबिस एवं नाभि के बीच में एक ट्रांसवर्स रिंग दिखाई देती है जो समय बीतने के साथ साथ नाभि की ओर खिसकती हुई दिखाई देती है। और जब वेजाइनल एग्जामिनेशन करते तो वह ड्राई होती है और डायलेटेशन इसमें अच्छा होता है। इसके अलावा हम इसमें जब कॉम्प्लिकेशन देखते हैं तो कॉम्प्लिकेशन मेटरनल भी हो सकते हैं, फीटल भी हो सकते हैं। तो मेटरनल कॉम्प्लिकेशन में मेटरनल डिस्टेस होगा, अत्यधिक रिट्रिक्शन के कारण प्लेसेंटल तथा रक्त परिसंचरण में बाधा होगी, जिसके कारण फीटल डिस्टेस होगा और फीटल एस्फिक्सिया हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है, अत्यधिक रिट्रेक्शन के कारण जब निचला लोअर यूट्राइन सेगमेंट पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, तो ये रप्चर भी हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे इन्फेक्शन की भी संभावना बढ़ जाती है इसमें। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट, अगर बंडल रिंग उपस्थित है तो फिर मैनेजमेंट कैसे करेंगे। महिला जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है एवं जो फीटस होता है उसको लगातार हमें बारीकी से मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। इसके अलावा पेन्स को कम करने के लिए एनालिसिस दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो आईवी ड्रिप लगा देंगे, कीटो एसिडोसिस को भी कम करेंगे करने के लिए रिंगर लैक्टेट लगा देंगे। इसके बाद में हम फीमेल को, प्रेग्नेंट वुमेन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे। इन्फेक्शन की रोकथाम करने के लिए स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करेंगे और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। यदि वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पा रही तो फिर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की कंडीशन, माल प्रेजेंटेशन है, माल पोजिशन है, तो फिर ऐसी समस्या यदि उपस्थित है तो फिर सीजेरियन सेक्शन करके उसकी डिलीवरी करवाएंगे। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।